ग्रीन लाइन न्यूज जो है अनुभवी पत्रकार मुश्ताक जी भी मौजूद हैं, सभी मुद्दों को जो है गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड के खबर को दिखाते रहते हैं। हम इनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप मंत्री जी के आवास पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, है ना। सुबह से ही पोस्ट हो रहा है कि माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास PED की टीम पहुँची हुई है, जाँच पड़ताल चल रहा है। क्या अभी तक आपको देखने को मिला? देखिए, हम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी मिला और कुछ रांची का जो चैनल है उनके द्वारा दिखाया गया। ये रांची सहित चाईबासा में कई जगह पर उनका ED का जो छापामारी मार रहे हैं, तो हम लोग नज़रअंदाज कर दिए, शायद हो भी सकता है। लेकिन जब लगातार हम लोग को व्हाट्सअप पर आने लगा, लोकल के जो पत्रकार हैं उन लोग भी छापने लगे, तो पल भर के लिए हम भी डगमगा गए, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता, जो संभव नहीं है वो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग इस खबर को न दिखाए न किसी से बात विचार करने की कोशिश। जब स्थानीय पत्रकार लोग जब इस खबर को छापे, ये कैलानपुर में मंत्री जी का आवास पर जो है ED का छापामारी चल रहा है 9:30 बजे से, तो पल भर के लिए लगा शायद हो भी सकता है, क्योंकि अदर जगह पर अदर चैनल पर, तो इसका कवरेजिंग के लिए हम लोग आए। हम लोग माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आवास जो है अंदर तक जाकर हम कवरेजिंग किए, वीडियो भी दिखाए, लेकिन कहीं पर भी ED का टीम यहां पर नहीं पहुंची है। और जो तस्वीर दिखाया जा रहा है, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जो फोटो आपको दिख रहा होगा, बाहर में गाड़ी लगभग वो 2400 घंटा वहां पर लगा हुआ रहेगा। उसी गाड़ी को फोटो खींचकर जो है दिखाया गया, जो बाहरी का टीम यहां पर ED का टीम पहुंचकर यहाँ पर छापामारी मारे। अब ये मानिए, अगर छापामारी टीम अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर क्या मिलेगा ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर बताएंगे, माने जी का जो कथा लिखा गया है गढ़वा का इतिहास को बदलने के लिए, वो उनका एक बुक यहाँ पर जरूर मिलेगा, उसमें गढ़वा का एक मैप आपको जरूर मिलेगा, जो गढ़वा का विकास कैसे किया गया है, गढ़वा को विकास कैसे किया जाएगा, गढ़वा का जो काम हो रहा है कहाँ कहाँ काम हो रहा है, ये सारा चीज का जरूर उनका जो ऑफिस है उनका जो आवास ये जरूर मिलेगा। लेकिन जो ED जिस मकसद से यहाँ पर छापामारी मारने का उद्देश्य से आ रही है, शायद वो उद्देश्य सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको पता होगा जो झारखंड में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, अभी आचार संहिता 2-3-4 दिन में हफ्ता दिन के अंदर शायद लगेगा। विधानसभा चुनाव की वजह से लगातार जो है ED जो है छापामारी मारती रहती है, कभी इसके कभी उसके। अभी आप लोकसभा का आप चुनाव ले लीजिए, चुनाव से पहले भी बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं उनके घर भी छापामारी मारा गया, जो विधायक दल है उनके घर छापामारी मारा गया। तो चुनाव के समय ये अफवाह फैलता है, अब चुनाव के समय ये होता ही है, तो इसको लेकर आप चलिएगा तो कहने के ये गलत है। तो सच्चाई जानने के लिए हम लोग उनके आवास पर आए, और जब सच्चाई समझ में आया, जब सच्चाई हम लोग देखे, तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। हम लोग जब आए तो ये हॉल में जहाँ पर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी बैठकर लोगों की समस्या सुना करते हैं, उस हॉल में भी हम लोग गए। देखिए, महिला मोर्चा का वहाँ पर मीटिंग चल रहा है, कार्य जो कार्यालय जो है ऊपर में कार्यालय में भी हम लोग गए। हम लोग का शक लगा शायद ED की टीम आई होगी, तो अंदर में ताला बंद करके छापामारी करे। लोग तो ये भी बोल रहे हैं, जब तकिया अंदर में फाड़ के देख रहे हैं तो उनका गोदरेज खोला जा रहा है, तो उनका पलंग चौकी जो है खंगाला जा रहा है, जो कहूं शायद रुपया रखे होंगे, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग यही बोलेंगे, जो भी स्थानीय जो पत्रकार ऐसा भ्रामक खबर फैला रहे हैं, तो कम से कम वो लोग प्रूफ रखे, एक प्रमाण रख ले, जो कोई भी खबर छापने से पहले हमारे ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो ये प्रमाण के साथ हम प्रशासन को जवाब दे सके, ये मेरे पास प्रमाण था, ये मेरे पास प्रूफ था, इस आधार पर हम लोग ने खबर छापा। हम लोग कभी खबर पहुंचे पढ़े और खबर पढ़ने के बाद ही हम लोग कोशिश किए जो हम लोग आए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। और इस चीज को हम ग्रीन लाइन पर दिखाए भी, ये अफवाह है, गलत है, इसके ऊपर आपको नहीं पढ़ना है। जो कथा लिखाया गया है गढ़वा का, ऐसा विधायक और ऐसा मंत्री झारखंड में कहीं नहीं मिलेंगे। इस गढ़वा का चर्चा आपको राजधानी रांची में नहीं, बल्कि जो है केंद्र में, मतलब दिल्ली तक भी इसका चर्चा हो रहा है, जो गढ़वा कौन ऐसा शहर है, वहाँ के कौन विधायक है, कौन मंत्री है जो इतना बढ़िया काम हो रहा है, और केंद्र का जो योजना आ रहा है उस योजना का फॉलो गढ़वा में बहुत जल्द, मतलब तुरंत हो जा रहा है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अन्य राज्य में उसको लाते लाते 6 महीना साल भर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ मंत्री जी का प्रयास है कुछ ही दिनों में वो योजना आपको धरातल पर मिलेगा। तो इससे कुछ लोग जो है अकबकाए हुए हैं। अच्छा, हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक चीज़ की खुलासा आप साफ तौर पे करेंगे, चूंकि बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से आप बात करते हैं और अनुभव भी रखते हैं। जैसे जिस हिसाब से गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र, जैसे जिस हिसाब से गढ़वा का विकास हो रहा है, इसमें नो डाउट
आज़ादी से लेकर अभी तक जो है इस टाइप से विकास कभी गढ़वा जिला में नहीं हुआ था, जिस हिसाब से गढ़वा बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोग जो है निरंतर, अगर हम कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो मंत्री जी के विपक्षी लोग हैं आरोप लगाते रहते हैं कि इनका धंधा है, पैसा है, बिजनेस है, तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमाने का जरिया है, है ना। समझ में ये नहीं आ पाता है कि हर एक प्रोसेस के लिए हर एक टेबल बना हुआ है, हर एक का वर्क को करने के लिए अगर हम कहें तो टेंडर होता है, टेंडर का भी नियम कानून रूल्स बना हुआ है, और हर एक टेबल पर अधिकारी बैठे हुए रहते हैं, हर जगह छानबीन होते रहता है, तब जाकर कोई टेंडर होता है। लेकिन मंत्री जी के आरोप कैसे लगता है कि टेंडर में घोटाला कर दिए, पुल गिर गया तो मंत्री का आरोप, रोड कहीं फट गया तो मंत्री का आरोप, बिल्डिंग कहीं गिर गया तो मंत्री का आरोप, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? घर हम बनवा रहे हैं, घर गिरेगा तो उसका आरोपी हम नहीं ना है, मिस्त्री के अंदर है, जो काम करवा रहा है उसके अंदर है। जब आपका मटेरियल खराब होगा, मिस्त्री जो है सही से जोड़ नहीं पा रहा होगा, तब घर गिरता है तो उसके ऊपर आरोप लगे। ये तो एक खंभा है, ये तो आपको काम दे दिए जी, ये रोड का काम है, ये पुल पुलिया का काम है, इसको काम बनवाइए। अगर कुछ अनियमितता बरती जा रही है तो आप इनको जाके शिकायत कीजिए, जब आपका काम में अनियमितता बरता जा रहा है आप कब उसको दिखाइएगा, जब वो खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। मतलब वही कहावत हुआ, जब सांप घुस गया बियर में तो लाठी मार रहे हैं, जब पुल टूट जाएगा तब कंप्लेन कीजिए, उससे पहले आप कीजिए ना। जब मंत्री जी आपका काम पुल पुलिया का काम हो रहा है, आपका खराब मटेरियल लग रहा है, आपका ठेकेदार जो है कंजूसी कर रहा है, आपका रूपरेखा डीपीआरओ सही नहीं है, आप उससे पहले कंप्लेन कीजिए, ताकि कुछ गड़बड़ी होगा तो जांच पड़ताल करके उनको सुधरवा देंगे। जब पुल पुलिया गिर जाएगा तब आरोप लगाते हैं। तो कई ऐसा मामला होता है गिरने का। अभी जैसे जगह जगह आप देखेंगे जो बरसात का समय, बरसात रिकॉर्ड तोड़ आया है, शायद ये हम लोगों का पुरख जो थे, दादा परदादा लोग कहा करते थे, ये 87-88 में शायद बाढ़ आया था, वो बाढ़ आया। अब बाढ़ आया तो नुकसान नहीं करेगा, आपका खेत भर जाएगा तो बोलिएगा हमारा खेत भर गया, आरी से पानी जाने लगे, कोई आरोप नहीं है। जहां इतना बड़ा बरसात, आप बगल में बिहार चले जाइए ना, प्रत्येक साल पुल जो है टूट रहा है, तो बरसात भी तो हुआ होता है उस हिसाब से, तो ये ओवरफ्लो जिसमें ज्यादातर हो जाता है तो ये होता ही है। जहां तक की बात कर रहे हैं जब कमाने खाने का, आपको भी तो टाइम मिला था, आप क्यों ने विकास किए, अभी विकास के माध्यम से कमा खा लेते, लेकिन आप तो खाली बैठ के मजा मारने में रह गए, अभी कमा लेते, अभी विकास कर लेते। तो जो काम नहीं कर पाते हैं ना, बैठ के बस बादाम फोड़ते हैं और आरोप लगाते हैं जे ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार सिर्फ कहा जाता है, आप पकड़ के दिखाइए ना जी। आपके पास ऊपर से लेके नीचे तक पूरा टीम है जी। अभी जो जानकारी मिल रहा है जी, ईडी का छापामारी मर रहा है, तो वही ईडी यहाँ पर आकर पहुंच के भ्रष्टाचार निकाल लेवे। कहाँ भ्रष्टाचार, हम लोग तो उनका घरों जाके देखे, घरों में नहीं है। तकिया ओके जो फाड़ने का आरोप लग रहा है, जो पलंग चौकी खंगाला जा रहा है, उनका दीवाल तोड़ा जा रहा है, ईडी पैसा, अरे सॉरी जो मंत्री जी है पैसा छुपा करके, कहीं ऐसा नहीं है, दीवाल तो टकाटक बढ़िया है। चलिए, तो साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से जो है गढ़वा रंका विधानसभा सहित जिस हिसाब से गढ़वा का विकास हो रहा है,